वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शवरमा रोल की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg। मैंने ऐसे स्लाइड्स में कटवा के चिकन लिया है जो शवरमा में लगता है। इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसका पानी अच्छे से निकाल दिया है। इसमें हम मिलाएंगे 100 ग्राम्स दही, 1/4 pounds में मैंने लिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने पीली मिर्चें ली हैं और 2 चम्मच मैंने चिकन मैरिनेट मसाला लिया है, यानी चिकन फ्राई मसाला लिया है। इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर देंगे और इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। 3 से 4 घंटे आप इसको मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। देखिए 1 चम्मच के करीब इसमें हम लहसुन अदरक डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत थोड़ा सा इसमें हम फूड कलर मिलाएंगे। देखिए बहुत ज़रा सा हमने इसमें फूड कलर मिलाया है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन कलर मिलाने से बिल्कुल जैसे आप मार्केट में खाते हैं इस तरह की फील आती है। इसको आप ढककर 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए। देखिए इस तरह से आप इसे क्लियर से ढककर रख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, शवरमा का पीटा ब्रेड बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा और 1 कप मैंने मल्टीग्रेन आटा लिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही मैंने लिया है 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1.5 चम्मच पाउडर वाला यीस्ट को हम 1 प्याली गर्म पानी में मिला देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका फर्मेंटेशन शुरू हो गया है। देखिए इसको अच्छी तरह से हम आटे में मिला देंगे। पानी मिलाकर हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। देखिए बहुत नरम डो हमें इसका बनाना है। देखिए हमारा आटा गूंद गया है, इसको हम अच्छी तरह से एक बाउल में करके इसके ऊपर हम किचन के लिए रैप होती है वो लगा देंगे और इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए इस तरह से हम इसे पैक कर देंगे। एक से 1.5 घंटे के लिए। देखिए शवरमा के लिए हम तहीनी सॉस बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच तिल लिए हैं। तिल को एक मिक्सर जार में हम डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें हम ऑलिव ऑयल डालेंगे। 2 चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। 5 से 6 हम लहसुन की जवे डालेंगे, छीलकर हमें इनको डालना है। 1 चम्मच हम चीनी डालेंगे। आधा चम्मच हम काली मिर्च डालेंगे। और थोड़ा सा हम सीजनिंग डालेंगे, इटैलिक सीजनिंग होती है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे 1/2 teaspoon। और इसमें हम 3 से 4 चम्मच दही डालेंगे, यानी हमने मायनीज लिया है 1 कप, तो हम इसमें 3 चम्मच दही डालेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। देखिए इस तरह से हमारी ताहिनी सॉस हमने
अच्छी तरह से मिक्स कर ली है, इसको हम मेयोनीज में मिक्स कर लेंगे। देखिए इंस्टेंट ब्रेड सॉस बनाएंगे हम, उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच मैंने यहाँ पर तंदूरी मेयोनीज लिया है। इसमें हम 1 चम्मच सिरका डालेंगे और इसके साथ हम रेड चिली सॉस डालेंगे। दो चम्मच मैंने इसका इस्तेमाल किया है। साथ में हम कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 चम्मच कुटी लाल मिर्च ली है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसमें हम शेजवान सॉस मिलाएंगे और उन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा शवरमा रेड सॉस भी एकदम रेडी है। अब हम चिकन फ्राई कर लेते हैं और थोड़ा सा सैलेड हमने कट किया है, इसको हम टॉस कर लेते हैं। देखिए एक तवे में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर हम चिकन पीसेस को स्टिर फ्राई कर लेते हैं। एक एक चिकन पीसेस इस तरह से हम पैन में लगा देंगे। देखिए 2 से 3 मिनट तक हम चिकन को एक साइड से फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए चिकन हमारा एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसको हम चेंज कर देंगे। देखिए शवरमा के लिए हमने थोड़े से सब्जियां ली हैं, इनको सलाद की तरह से काटा है। प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, खीरा बारीक बारीक और इसमें काली मिर्च और नमक डाला है। साथ में ड्रेसिंग के लिए 1 चम्मच हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और नींबू डालेंगे। एक चम्मच हम नींबू का रस डालेंगे इसमें और इसको अच्छी तरह से टॉस करेंगे। ये शवरमा सैलेड हमारा बिल्कुल रेडी है। देखिए हमारे सॉसेस, सैलेड और पीटा ब्रेड का डो और चिकन सब कुछ रेडी है। हम सिर्फ जल्दी से पीटा ब्रेड तैयार करते हैं और गरम गरम शवरमा असेंबल करते हैं। देखिए हम अब जल्दी से पीटा ब्रेड बना लेते हैं। देखिए डो हमारा राइस हो चुका है, ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है। जैसे हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल, इस तरीके से आप रोटी बना लीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरह से रोटी बनाते हैं, ऐसे ही मैंने बिल्कुल इसको बेला है। देखिए इस तरह से हमारी ब्रेड बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसको हम बारीक बारीक चंक्स में काट लेंगे।
देखिए इस तरह से मैंने चिकन को बारीक बारीक चंक्स में काट लिया है। और अब हम शवरमे को असेंबल करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट में हम अपनी पीटा ब्रेड लगाएंगे और इस पर हम हल्का सा मेयोनीज लगाएंगे। इसके ऊपर हम ये रेड वाला सॉस लगाएंगे। साथ में थोड़ा सा सैलेड लगाएंगे। इसके ऊपर हम ये चिकन पीसेस लगाएंगे। और इसको हम अच्छी तरह से रैप कर देंगे। चिकन पीसेस के बाद थोड़ा सा हम ये ताहिनी सॉस और लगाएंगे। और थोड़ा सा हम रेड वाला सॉस और लगाएंगे। और इसको हम अच्छी तरह से रैप कर दें। देखिए हम शवरमा को एक पार्चमेंट पेपर में पैक करेंगे मार्केट की तरह। देखिए इस तरीके से हमारा चिकन शवरमा बिल्कुल रेडी है। देखिए हमारा शवरमा रोल बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट कर बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।